जी संगत जी, इस टाइम साढ़े नाल मध्य प्रदेश तो साढ़े नाल जुड़े हुए सरदार हरजीत सिंह जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीट पर भी अज जी हैगी अज पोलिंग होनी सी, वोटा कास्ट की जानी सी। सरदार हरजीत सिंह पाटिया साहब साढ़े नाल जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश तो, और इंदौर के लागे वो रहते हैं, उन्होंने नाल जुड़ते हैं जी। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, की हाल है जी? बस जी सब चढ़दी कला जी। हाँ जी हाँ जी, की दसना चाहोगे जी अकाल चंद के दर्शकों को, की अपडेट देना चाहोगे, किस तरीके रहा आज दा जिहड़ा पोलिंग दा प्रोसीजर, तकरीबन किन्ने परसेंट पोलिंग हुई और केड़ी केड़ी सीट ते पोलिंग सी? तकरीबन खरगोन खंडवा सीट ते लंदी है वाली ते 71-72% दे लगभग वोटिंग हुई है जी। अच्छा 72%, क्या बात है जी। ठीक है ठीक है, और इंदौर दी जी आपा गल कर देंगे, इंदौर दी सीट दे भी तकरीबन की जिहड़ा पोलिंग दी परसेंटेज रही है जी? 69% दे आसपास। ओके ठीक है, यानी कि इंदौर दे विच लोकां दा रुझान कितना सीगा, क्योंकि जिस तरीके आपा डे बाय डे असीं अपडेटेड हुंदे जा रहे हैं कि लोकी वोटां देण वास्ते घरां तों निकलदे ने या हजे भी उहनां नूं वोट देना एक बेकार काम ही लगदा? करीब काफी ज्यादातर लोगों ने तो अपनी मर्जी नाल ही वोट पाए ने। ठीक है, क्योंकि अपनी मर्जी। हाँ जी हाँ जी, उस तो अलावा जी आप गल करिए कि इस समय केड़े केड़े कैंडिडेट जिहड़े हैगे तुहाडे एरिए तो हो जां इंदौर दी एक जिहड़ी हॉट सीट मनी जांदी हैगी आ, केड़े केड़े जिहड़े कैंडिडेट जिहड़े सीगे नामवर मध्य प्रदेश तो खड़े सीगे, क्योंकि एक पासे भोपाल दे विच साध्वी प्रज्ञा देवी ठाकुर और दिग्विजय सिंह दा ते सीगा ही, पर वह पहले फेज दे विच हो चुके सीगे, अज दे फेज दे विच केड़े वड्डे चेहरे सीगे जी? साडे जिहड़ी लोकसभा सीट है उत्थे बीजेपी तो सी नंद कुमार सिंह चौहान जो कि है भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने। ठीक है, और कांग्रेस तो सी अरुण यादव। ठीक है, जो कि वो प्रदेश सचिव सी कल। ठीक है ठीक है, और इंदौर दी जी आपा गल करदे आ, था इंदौर तो जी इंदौर वैसे जी साडे तो 60 किलोमीटर दूर हैगा वैसे। ठीक है, इंदौर भी जो लोकल इंदौर हैगा वो थोड़ा बीजेपी तो ज्यादा सपोर्ट करता हैगा। ठीक है ठीक है, केड़े केड़े लीडर खड़े सी इंदौर तो, खड़े कौन कौन सी जी? इंदौर तो बीजेपी तो शंकर ललवानी है और कांग्रेस तो पंकज संघवी है। ठीक है ते की लगता तुहानू ऐतकी लोगों ने की हजे भी पार्टी या पार्टीबाजियां नू ही वोट कीती है या मुद्दियां नू भी किसी ने वोट कीती है के, क्योंकि अलग अलग बेसिक प्रॉब्लम्स है ने एम्प्लॉयमेंट दी और काम धंधे दी, कि लोगों ने हजे भी पार्टीबाजी नू सपोर्ट कीता है या मुद्दे नू वोट पाई है जी? जो कट्टर ने उन्होंने तो पार्टी नू ही सपोर्ट कीता वे, बाकी बीजेपी वाले वास्ते मोदी फैक्टर फर्स्ट है उन्होंने वास्ते। ठीक है ठीक है, इंदौर दे विच मन्या जांदा है कि बीजेपी जड़ी है कि बहुत अच्छे तरीके नाल काबिज हैगी है, तो तुहानू लगदा है कि पक्की सीट होएगी है इंदौर दी जड़ी बीजेपी दी जी? जो प्रॉपर इंदौर है, बाकी जो आसपास दा एरिया है दा उथे कांग्रेस दा जोर ज्यादा है। ठीक है ठीक है ठीक है, उस तो अलावा ना एक इंदौर एक होर गल ते सोशल मीडिया ते काफी मशहूर हुंदा पिया हैगा कि इंदौर दे विच एक ऐसा पोलिंग बूथ सीगा किसी ऑडिटोरियम हॉल दे विच कि उत्थे एसी बूथ सीगा और काफी डेकोरेशन सीगी, अंदर चा कॉफी दा भी अरेंजमेंट सीगा और उस तो अलावा अंदर आरओ पानी दा भी अरेंजमेंट सीगा, वो काफी जिहड़ा हैगा सोशल मीडिया ते चर्चा दा विषय रहा ते कि उस बूथ दे विच लोकां ने वोटां पाउण वास्ते किन्नी दिलचस्पी दिखाई सीगी जी? वैसे इन्होंने भी दूसरी जगह पे भी कोई पोलिंग बूथ नो पिंक बूथ करके दिखे ऐसी जिथे सजावट वगैरह की गई थी जिस तरह बैलून वगैरह लगा के। ठीक है, और हर जगह पे हर पोलिंग बूथ पे इन्होंने को बैनर लगाया सी जिथे सेल्फी पॉइंट बनाया सी इन्होंने हर जगह पे। वैसे भी काफी टाइम तो चल रहा है वोट पाने वास्ते, जागरूकता चल रही है जी। ठीक है जी, सरजीत सिंह जी अपने वालों कोई सुनेहा तुसी अकाल सिंह दे दर्शकां नूं दसना चाहोगे, कोई खास अपने वालों कोई गल दसना चाहोगे?
अकाल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो मैनू एक प्रॉब्लम आई सी तो अकाल चैनल ने मेरा पूरा सपोर्ट किया सी, जिस वास्ते मैं 10 दिन तो आई हाँ चैनल का। ठीक है ठीक है ठीक है जी सिंह जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा वाहेगुरु फतेह जी। अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे लई बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना।